अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं HT इन्फॉर्मेशन। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी तस्वीरों में से, अपनी फ़ोटोज़ में से आप अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आप चाहते हैं कि मेरी तस्वीर में ना आए या कोई किसी शख्स को आप गायब करना चाहते हैं कि इस तस्वीर से गायब हो जाए, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी फ़ोटो में से किसी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, ये एक ऐप है एंड्रॉयड रीटच, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, लेकिन ये आपको प्ले स्टोर में पेड मिलेगी, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। अपनी ड्राइव पे अपलोड करके तो आप वहाँ से जाकर इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ कि ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से। क्योंकि कुछ दोस्तों की आदत होती है कि उन्होंने बस गलती ढूंढनी होती है कि इस बंदे की कोई गलती मिले जिससे हम इसको रोक सकें। तो चलिए देखें, ये ऐप आ गई है टच रीटच, मैंने इसको डाउनलोड किया है और ये पेड ऐप है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ से मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो इस तरह की कोई लिंक होगी, आपने जस्ट एक ऐड आएगा आपके सामने, आपने जस्ट उसको स्किप करना है जिससे ये एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोडिंग की लिंक आ जाएगी। सॉरी, अभी यहाँ से मैं सिलेंट पे चला जाता हूँ। इस लिंक पे जाने के बाद इस तरह की आपके सामने टैब आ जाएगी, यहाँ पे प्लीज़ वेट लिखा हुआ होगा, आपने 5 या 10 सेकंड बस जस्ट वेट करना है, उसके बाद आपने स्किप ऐड पे क्लिक कर देना है। अभी वह कह रहा है कि वेट करें, यहाँ से कुछ एड्स आएंगे, अगर आपने कोई ऐड ब्लॉकर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ऑफ कर दीजिएगा। और यहाँ से मैं स्किप ऐड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें इसने मेरी गूगल ड्राइव ओपन कर दी, जहाँ से आप जाके आसानी से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। इस तरह का इसका लोगो है, आप इसको ज़हन में रख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन की लिंक में इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अगर आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे ट्यूटोरियल में क्लिक करके इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अगर आप अपनी गैलरी में से कोई फ़ोटो में से कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं, तो आप सेंटर में एल्बम्स लिखा है, आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप किसी फ़ोटो में से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव कर रहे थे और वो अधूरा रह गया, तो आप जहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करके उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फो में क्लिक करके आप इस ऐप के बारे में मज़ीद जान सकते हैं कि इससे मज़ीद क्या होता है। मैं सिंपली एल्बम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी गैलरी ओपन कर लेता हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद यहाँ से मैं एक फ़ोटो को इसमें लोड कर लेता हूँ। ये देखें, अभी ये फ़ोटो लोड हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस फिल्टर को रिमूव करूँ यहाँ से, यानी कि मुझे ये फ़िल्टर नहीं चाहिए। मैं सिंपली ऑब्जेक्ट रिमूवल पर जाता हूं और जूम करके इस फिल्टर को सिलेक्ट कर लेता हूं। आप इसको अच्छे से कीजिएगा, मैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि यह ठीक ना हो। तो आपने इसको अच्छे से जिस ऑब्जेक्ट को आपको इस ऑब्जेक्ट को आपने रिमूव करना है, आप उस पर इसको अच्छे से कीजिएगा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको गो पे कर देता हूँ क्लिक, और गो पर टैप करते ही वो देखें उसने वो फिल्टर गायब कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ये बॉल को गायब करूँ, तो मैं सिंपली बॉल पर टैप करता हूँ, गो कर देता हूँ। तो ये देखें, गो करते ही उसने बॉल को भी रिमूव कर दिया। इस तरह बहुत ही आसानी से अपनी तस्वीरों में से कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आती तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, ताकि हम इस बारे में मज़ीद वीडियोस ना बना सकें। और अगर आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं, आपका शौक़ है, तो मेरा एक और चैनल है HT एडिट्स, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ में से जाके काफ़ी अच्छी अच्छी एडिटिंग के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, जिस तरह के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आप किसी भी सादा सी फ़ोटो को पकड़कर बहुत ही डैशिंग फ़ोटो में तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह की फ़ोटोज़ बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की फ़ोटो बनाना चाहते हैं, तो मेरा एक और चैनल है HT एडिट्स, आप वहाँ से जाके बनवा सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।